आइए दोस्तों बात करते हैं 60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री लक्ष्मी छाया की। इनका जन्म 7 जनवरी 1948 को मुंबई में हुआ था। साल 1957 में जब इनकी उम्र 9 वर्ष थी, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दर्शकों के बीच इनको निर्देशक महेश कौल ने देखा। महेश कौल ने अपनी फिल्म तलाक में इनको एक छोटी सी भूमिका दे दी। उसके साथ इनका फिल्मी करियर शुरू हो गया था। उस प्रथम परिचय में ही मैंने खोया। तलाक के बाद इन्हें साल 1962 की फिल्म नोटी बॉय में काम करने का मौका मिला। नोटी बॉय के बाद इन्हें धीरे धीरे फिल्मों में सहायक नर्तकी के किरदार मिलने लग गए थे। दो नर्तकियों में ये हमेशा दूसरे नंबर पर रहती थी। हेलन जैसी नर्तकी की छाया में लक्ष्मी छाया का जादू थोड़ा कम छाया, लेकिन धीरे धीरे इनको फिल्मों में मुख्य नर्तकी के किरदार मिलने लगे थे। इन्होंने 60 के करीब हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था, जिनमें साल 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए इन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अंग प्रदर्शन किए बिना ही अपने नृत्य से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती थी। आशा पारेख जैसी अभिनेत्रियां जो खुद अच्छी नृत्यांगनाएं थी, धीरे धीरे इनके साथ काम करने के लिए इनकार करने लग गई थी। अस्सी के दशक के आते आते बॉलीवुड में बहुत सी अभिनेत्रियां ऐसी आ गई थी जो अंग प्रदर्शन करने लगी थी और आइटम सॉन्ग भी खुद ही करने लग गई थी, जिससे इनको फिल्मों में काम मिलना कम हो गया था। जाने बात है की। साल 1986 की फिल्म बिजली इनकी अंतिम फिल्म थी। उसके बाद इन्होंने एक नृत्य पाठशाला खोली थी, जिसमें
बच्चों को नृत्य सिखाती थी। फिल्मों में काम छोड़कर जब इन्होंने शादी के बारे में सोचा तो इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर है, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की। नौ मई 2004 को इनका निधन हो गया था।